बैटरी का एक्सेल वीक होने पर रिपेयर हो सकता है क्या? एसेप्सोनिक की 55 एएच की बैटरी है। संदीप कुमार जी ने कमेंट किया था, सो उसका आंसर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। डीलरशिप कैसे ले, सेकंड क्वेश्चन मैरी एंड गैरी का कि डीलरशिप कैसे ले। सो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ दो तीन क्वेश्चन है उसके आंसर हम दे देते हैं, उसके बाद में इन क्वेश्चन का हम बात करेंगे कि कैसे डीलरशिप ले और कैसे बैटरी का सेल अगर वीक है तो रिपेयर हो सकता है क्या, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। उसके पहले कुछ तीन क्वेश्चन है उसके आंसर हम जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल, आपका दोस्त है, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले गणेश यादव जी का क्वेश्चन है, अपाची 150 9LB बैटरी का प्राइस। सो दोस्तों, अपाची में 9LB मतलब 9H की बैटरी लगती है, 150H की इनकी बैटरी है। प्राइसिंग की बात करेंगे दोस्तों तो 1800, 1900 और 2000 के बीच में आपको एसेप्सोनिक एक्साइड एमरॉन आ सकती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 100 रुपए का 50 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब पुरानी बैटरी लेके, पुरानी बैटरी आप रिप्लेस कराते हैं, 1800, 1900, 2000 के बीच में आपको आ जाएंगी। ओम साई राम जी ने क्वेश्चन करा था, उन्होंने स्क्रैप के बारे में पूछा था एक्चुअली कि स्क्रैप का रेट कितना चालू है। उसके बाद में और उन्होंने कुछ डिस्कस किया है, उनके पास में एक ईस्टमैन करके बैटरी है तो हो सकता है कि लोकल बैटरी है। 180 AH कितना किलो का बैटरी होगा, उसका कितना किलो का प्राइस होगा? 180 का बैटरी है, लोकल बैटरी की दोस्तों वेट थोड़ा कम हो सकता है, पर 180 की बात करेंगे आपके पास में अगर कोई और कंपनी का बैटरी होगा। सो 180 की बात करेंगे तो ये दोस्तों 35 से 40 किलो की बैटरी हो सकती है, लोकल बैटरी का थोड़ा वेट कम हो सकता है। सो अगर आप एक्चुअल में इसको अगर वेट कराते हैं, सो जो मार्केट में स्क्रैप का रेट चलता है कभी 70, 75, 80, 90, तो अभी का जो रेट चालू है 88 रुपीज पर केजी। सो 90 पकड़ लीजिए, 90 × आप 35-40 कर लीजिए तो 3000 से 3500 रुपए आपको इसको मिल सकते हैं, मतलब 3500 से 4000 रुपए भी आपको इसके मिल सकते हैं। सो आपको एग्जैक्ट वेट पता रहना जरूरी है और स्क्रैप का जो रेट चालू है सो पता रहना बेस्ट जरूरी है, उसके बाद में आपको अच्छा खासा मतलब रिटर्न मिल सकता है, स्क्रैप का रेट अच्छा खासा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युव राज जी ने क्वेश्चन करा है, सुकैम टॉर्क 180 इन्वर्टर है 200 AH एक्साइड बैटरी के लिए सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा, 150 AH की मतलब सिंगल सिस्टम की बैटरी है और आपका जो UPS है वो भी सिंगल सिस्टम का है, सो आप उसमें सिंगल सिस्टम की बैटरी लगा सकते हैं। 200 AH की बैटरी से आप अच्छा खासा बैकअप भी पा सकते हैं। जो 850 VA का आपका इन्वर्टर है उस पे आप ज्यादा से ज्यादा 750 तक लोड दे दीजिए आपका घर का। लोड के लिए अलग से मेरे कुछ वीडियो है वो आप देख सकते हैं। टीवी का लोड होता है 100 मतलब वैट होता है 120 वैट, जो ट्यूबलाइट्स होते हैं जो पुराने आते थे वो 40 वैट के, जो अभी नए आ रहे LED वगैरह वो 20-25 वैट के होते हैं। फैन होता है 75-80 वैट का, सो कैलकुलेशन लगा लीजिए और आप उतना 700 तक लोड दे दीजिए और आप 200 AH की बैटरी लगाते हैं सो अच्छा खासा बैकअप आप पा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, अभी हम बात करेंगे। संदीप कुमार जी ने हमें क्वेश्चन करा था कि बैटरी रिपेयर हो सकता है क्या, 55 AH की बैटरी है। सो दोस्तों, इसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि बैटरी आपकी है और बैटरी वीक हो गई है मतलब उसका एक सेल डैमेज हो गया है, आपने लोड टेस्टर आपने ग्रेविटी चेक करी होगी तो ग्रेविटी आपको कम आई होगी, तो दोस्तों सेल जो है सेल ये अंदर से पूरा डैमेज हो गया होगा, डैमेज मतलब वीक हो गया होगा। सो आप उसमें एक काम करके देख सकते हैं, उसमें आप एसिड और उसमें आप डिजिटल वाटर आप डाल के उसमें देखिए, फुल चार्ज करिए, 12 घंटा उसको चार्जिंग पे रखिए, उसके बाद में आप उसको यूज करके देखिए, हो सकता है पॉसिबल है कि आपका बैटरी चल जाए, पर मैक्सिमम तौर पर दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आपका बैटरी का सेल वीक हो गया है तो उसके अंदर की जो प्लेट्स होती है वो गल गई होंगी, खराब हो गई होंगी, सो रिपेयर नहीं होंगी, मतलब वो एक पूरा बैटरी का सिस्टम है। अब बैटरी का पूरा सिस्टम है वो बैटरी से जुड़ी हुई जो प्लेट है वो प्लेट पूरी डैमेज हो गई होंगी, सो वो रिपेयर कैसे होंगी, आप उसको खोल के तो ठीक नहीं कर सकते हैं, वो प्लेट वहां पे लगी होंगी पूरी गल गई होंगी डैमेज हो गई होंगी। तो हम इतना ही करके देख सकते हैं कि एसिड और उसमें डिस्टिल वाटर डाल के आप यूज करके देखिए, 55 AH की बैटरी है। आप अगर कार में यूज करते हैं तो आप यूज मत कीजिए, आप कार चलाते हैं कहीं पे गाड़ी बंद होगी सो दोस्तों आप तो वहां पे लटक ही जाएंगे, तो गाड़ी बंद पड़ गई तो काफी इश्यू आपको आएंगे। सो मेरा कहना है अगर आप में कोई ऐसा यूज होगा सिंपल सा यूज होगा, कोई कोई लाइट वगैरह लगाते हैं उसमें, सो आप ये कोशिश करके देख सकते हैं,
पर मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप उसका मतलब कंटिन्यू यूज करेंगे हमेशा के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक सेल डैमेज हो गया, मतलब आपको नई बैटरी लेना पड़ेगा, नई बैटरी डाल दीजिए। 55 इंच की बैटरी है तो आपको स्क्रैप रेट अगर जानना होगा तो उसके अच्छे खासे स्क्रैप रेट आपको मिल सकते हैं। 55 इंच की बैटरी है, 1000 से 1200 रुपए तक के आपको उसके मिल सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। मैरी एंड गैरी ने डीलरशिप कैसे ले इसके बारे में बात की, तो डीलरशिप कैसे ले। सो दोस्तों, डीलरशिप लेने के लिए सबसे पहले आपके पास में डीलरशिप ले रहे, आप एक बिजनेस डालने की सोच रहे, सो आपके पास में तो फंड की जरूरत होगी, अच्छा खासा फंड की, अगर आपको डायरेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डीलरशिप चाहिए, सो 5 से 10 लाख रुपए आपके पास में होना जरूरी है और एक अच्छे लोकेशन पे आपको ब्लॉक होना बहुत ही जरूरी है। कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, तो दोस्तों गूगल में जाके आप सर्च करिए, मतलब कंपनी के बारे में, जो भी कंपनी के बारे में आपको जानना होगा, डीलरशिप ले लूंगी एमरॉन या फिर एक्साइड, एसेप्सोनिक या फिर लुमिनस ओकाया, कोई भी होगा, तो वहां पे आप जाके टाइप कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर होगा अबाउट एक्साइड या अबाउट लुमिनस वगैरह, तो वहां पे जाने के बाद में कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, उनको आप मेल कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद में वो दोस्तों आपको विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद में सब कुछ देखेंगे, आपके मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, डिफाइन आपको करना पड़ेगा कितना आपका बजट है, वो हिसाब से आपको वो डीलरशिप दे देंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। दोस्तों बैटरी में ऐसा है कि बहुत सारा माल आपको रखना पड़ेगा, आप 2-3 लाख का माल लेते तो आपकी दुकान में एक बैटरी दोस्तों जो बड़ी इन्वर्टर की बैटरी है 10,000 की बैटरी आती है, 10 बैटरी से दोस्तों आपका दुकान में कुछ भी नहीं माल रहेगा, आपको सभी सेगमेंट का हर एक माल रखना पड़ेगा, मतलब छोटी बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी तक काफी कुछ होता है, सो आपको 5 से 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ सकता है। सो दोस्तों आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपको रिटेल काउंटर डालना होगा, कम पैमाने पे बिजनेस शुरू करना होगा 1-2 लाख रुपए से, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ऑनलाइन से निकाल लीजिए, जस्ट डायल वगैरह है, जस्ट डायल पे भी काफी सारे नंबर मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर करके वहां पे डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ जाएंगी, उनसे कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करने के बाद में वो भी आप कंपनी से ही जुड़ जाएंगे, कंपनी के थ्रू ही आपको माल मिलेगा, पर माल आपको मतलब पॉलिसी रहेगी कंपनी की, डायरेक्ट नहीं होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आएगा, सो आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, पर छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर से जितना माल चाहिए आप उठा सकते हैं, थोड़े पैसे भी वो रख सकते हैं अगर आपकी उससे उनसे बातचीत बनती है तो, अच्छे लोकेशन पे ब्लॉक ले लीजिए और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन से आप नंबर निकाल लीजिए, छोटे पैमाने पे भी आप शुरू कर सकते हैं 1-2 लाख रुपए से भी, और अगर आपको कंपनी से जुड़ना है तो आपको अच्छा खासा इसमें करना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख इतना इन्वेस्टमेंट आपको और अच्छे एरिया में वो आपको मतलब एक स्ट्रक्चर, एक जगह आपकी चाहिए तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। डीलरशिप लेने के लिए और आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करेंगे, सो मैं उसके बारे में बता दूंगा। सो यार दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी आपको अच्छी लगी होंगी, सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाद मुझे बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।